गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। कुछ अनुपात और समानुपात का है, रिलेशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड। ठीक है, इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, इसमें कानपुर अनुपात गंगा दिया हुआ है, फिर समानुपात का साइन लगा हुआ है और इस दिल्ली के बाद अनुपात का साइन और क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क में जो रिलेशन कानपुर गंगा से है, वही रिलेशन दिल्ली और इस ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनमें से किसी एक का होना चाहिए। ऑप्शन हमारे हैं ए गंगा, बी गोदावरी एंड सी यमुना एंड डी नर्मदा। तो इसमें देखो, यहाँ पर नदियों का रिलेशन दे रखा है। कानपुर में कौन सी गंगा बहती है? गंगा। ठीक है, कौन सी नदी, मतलब गंगा नदी बहती है कानपुर में। तो कानपुर का रिलेशन जो गंगा से है, तो दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? गंगा नहीं, गोदावरी नहीं, यमुना बहती है दिल्ली में, और ये तुम्हारी नर्मदा तो यहाँ दिल्ली का है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह इस क्वेश्चन को पहले लिख लो इधर, कानपुर का गंगा से रिलेशन है, समानुपात का साइन है, दिल्ली का समानुपात यमुना से है, यमुना से। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ था नहीं, बस रिलेशन है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता कुछ भी दे सकते हैं, जो रिलेशन होगा वही इसका रिलेशन होगा समानुपात के बाद। तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, या चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।